टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। भाई बहन के फोटो के साथ अश्लील शब्द लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट करने वाले व्यक्ति के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि पोस्ट करने वाला कोई और नहीं बल्कि लड़की का रिश्तेदार ही है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के वजीरगंज थाना अंतर्गत का है। दरअसल पीड़ित भाई बहन ने भाई दूज पर एक तस्वीर साथ में खिंचवाई थी और उसी फोटो पर अश्लील शब्द लिखकर सोशल मीडिया में एक अज्ञात व्यक्ति ने पोस्ट कर दिया, जिसके बाद पीड़ित भाई बहन पुलिस स्टेशन में इसकी शिकायत दर्ज कराई और पुलिस जांच में जो सच सामने आया वो बेहद ही चौंकाने वाला है। दरअसल कोई और नहीं इन्हीं भाई बहन का एक रिश्तेदार निकला जो सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहा था, जिसका नाम रवि सोनी उर्फ विष्णु है। पूछताछ में पता चला कि पहले से ही इनमें आपसी विवाद था, जिसकी वजह से लड़की को बदनाम करने के इरादे से लड़की की फोटो के साथ अश्लील शब्द लिखकर सोशल मीडिया में पोस्ट किया था। बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पीड़ित परिवार ने क्या इस पर जानकारी दी? कुछ दिन पहले मेरे जो फेसबुक पर आईडी पर मैंने अपनी सिस्टर की फोटो भाई दूज की लगाई थी और मेरे साथ में मेरी बहन और मेरे भाई मैं स्वयं था। फेसबुक पे अपलोड किया, उसके देखते हुए एक दिन कुछ दिन से पहले मेरे नाम से अज्ञात के नाम से फ़ोन आया, जिसमें ये कहा जाने लगा कि आप को मैं अच्छी तरीके से बदनाम कर दूंगा और जो मेरी बहन को उल्टा सीधा कहता हूँ, जो ऐसा मैंने कभी नहीं किया था। इसी को देखते हुए उन्होंने फेसबुक से फ़ोटो निकाली और रितेश सिंह रितेश के नाम से फर्जी आईडी बनाकर और अश्लील भाषा को लिखते हुए मेरी बहन और मेरे साथ की फ़ोटो को पोस्ट किया। और यही नहीं, वो देखते हुए उसने हमारी रितेश सिंह रितेश की लिंक विकास सोनी जो मैं फेसबुक चलाता हूँ उसको मैसेंजर पे पोस्ट किया। जब मैंने उसको लिंक को पोस्ट देखा तो उसमें मेरी बहन की फोटो थी, जिसको मैंने स्क्रीनशॉट और लिंक कॉपी करके मैंने पुलिस अधीक्षक को एक एप्लीकेशन दिया। एप्लीकेशन को पुलिस अधीक्षक ने संज्ञान में लेते हुए तुरंत उसको नगर कोतवाली को मार किया एवं उनकी ऑनलाइन जो सुविधा होती है उसमें भी एसपी सर ने स्वयं अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उसको दर्ज किया मुकदमा। अज्ञात के नाम से जब साइबर क्राइम उसको जांच को आगे बढ़ाते हुए अफसर परवेज को दी गई, अफसर परवेज ने जब उसको जांच की फिर उन्होंने मेरे साले रवि सोनी के नाम से उसका नंबर उसमें अलर्ट हुआ था जो रवि सोनी के नाम से था। फिर अफसर परवेज ने हमसे पूछा कि आपको संज्ञान में किसके नाम लगती है, तो मैंने कहा कि ये मेरी पत्नी है जो मेरे व्हाट्सएप डीपी से फ़ोटो निकाल कर इसमें फेसबुक ऐसा हरकत कर सकती है, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उसने अफसर परवेज सर ने मेरा उनसे नंबर लिया तो मैंने अपनी सास का नंबर दिया जो मेरे पास मौजूद था, जिससे वो हमेशा फेसबुक को देखा जाता था। तो जब सास ने एक बार फ़ोन नहीं उठाया, दूसरी बार जब उठाया तो वो लुधियाना में थी, तो लुधियाना से कहने लगी कि हमने ही अपनी लड़की से बनवाया हूँ, वो हमको लड़की को परेशान करते उल्टा सीधा मतलब जो भी कहना था बहुत तेज़ आवाज़ में बोली और धमकी भी देने लगी। तो अफसर परवेज ने कहा कि सिम किसके नाम से है, पूरे उन्होंने विवरण पूछा तो उन्होंने कहा कि सब ये रवि सोनी के नाम से है जो इस समय वजीरगंज में है, मैं लुधियाना में हूँ। तो उन्होंने कहा कि आइए आपकी जांच में मुकदमा कायम हुआ है नगर कोतवाली में, आके अपना विवरण दीजिए। पर वो विवरण देने नहीं आई, हो सकता बीच में रवि सोनी आए होंगे कोतवाली में। तो भी जब जाँच आगे बढ़ी तो हमसे कहने लगे कि शक किस पे है, तो हमने कहा पत्नी पे था लेकिन रवि था। रवि जब जाँच को इधर चार्जशीट तैयार हो गई रवि सोनी के नाम से पूरी विवरण, तो मतलब ये है कि वो गलत जो फर्जी आईडी बना करके और अश्लील बातें उसमें लिख करके उससे आहत हुई आपकी बहन, उसके उससे आपने मुकदमा कायम कराया? जी सर, मेरी बहन काफ़ी आहत थी और अनमेरिड हैं, इनकी शादी भी नहीं है, शादी में काफ़ी अड़चनें आ सकती थी, इसको देखते हुए काफ़ी हाथ बाहर भी नहीं तो शर्मिंदा है। और बीच में जब उन्होंने आईडी जब जान पाया कि मुझे हम पकड़ जा रहे हैं तो उन्होंने कल हमारे ऊपर काफ़ी दोस्तों को साथ में बुलाकर मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन यह रहा स्थानीय लोग की पहचान से मैं बच गया, सही सलामत घर चला आया। उसके बाद एक दो दिन पहले मनकापुर में भी बहन के साथ अभद्रता गली कूचे में बोलता रहता है, क्योंकि उसका ससुराल मेरे ताऊ जी के घर के बगल में ही है,